देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भारती। कश्मीर मसले पर पाकिस्तान को दुनिया भर से मुंह की खाने के बाद भी बाज नहीं आ रहा है। अब पाकिस्तान जंग पर उतारू हो गया है और तिलमिलाए हुए पाकिस्तान ने सीमा पर 2000 जवान तैनात किए हैं। कश्मीर मसले पर पाकिस्तान को दुनिया भर में मुंह की खाने पड़ रही है, साथ ही वो भारत को परमाणु युद्ध की धमकी भी दे रहा है। इसी बीच पाकिस्तान ने सीमा से सटे बाघ और कोटली सेक्टर में 2000 से ज़्यादा सैनिकों की तैनाती की है। बता दें कि ये स्थान नियंत्रण रेखा LOC के पास POK में स्थित है। भारतीय सेना सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन सैनिकों को बैरकों से निकाल दिया गया है और LOC पर 30 किलोमीटर के दायरे में तैनात किया गया है। भारतीय सेना पाकिस्तान की इन हरकतों पर बारीकी से नज़र बनाए हुए है। इसके अलावा पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद स्थानीय और अफगानों की बड़े पैमाने पर भर्ती कर रहा है। मालूम हो पाकिस्तान ने इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में स्थित स्कूर्द हवाई अड्डे पर अपने JF-17 युद्ध विमानों की भी तैनाती की है। ये हवाई अड्डा लद्दाख के समीप है। जानकारी के अनुसार पाक आर्मी ने लद्दाख के नज़दीकी स्थित अपने अग्रिम चौकियों पर भारी हथियार और सेना के साजो सामान को भी एकत्रित किया है। पाकिस्तानी वायुसेना के 3 C-130 हरक्यूलस परिवहन विमानों के जरिए सैन्य साजो सामान को गिलगित बाल्टिस्तान में स्कूर्द हवाई अड्डे पर पहुंचाया जा रहा है। पाकिस्तान द्वारा किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए भारतीय सेना और वायुसेना अलर्ट पर है। भारत की खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है, साथ ही सीमा पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।